नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। जनता दरबार में जिलाधिकारी ने सुनी समस्या, तुरंत निपटाने के दिए अधिकारियों को निर्देश। उत्तराखंड सरकार के निर्देश के चलते जनपद में जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना व तत्काल समस्याओं का समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। यहाँ फरियादियों द्वारा प्रमुख समस्याओं में सड़क, पानी, शिक्षा, प्रमाण पत्र, मुआवजा, फीस माफी, शौचालय, रोजगार आदि संबंधित 38 समस्याएं एवं शिकायतें दर्ज की। अधिकांश समस्याओं का मौके पर निस्तारण करते हुए अवशेष समस्याओं को जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने अधिकारियों को निर्देश दिए। जितने भी हमारे वेंडर से जो हमारा जो प्रोग्राम है चलता है, चले लोग केवल इसी उसके लिए आते हैं, किसी को राशन कार्ड के हिसाब से उनको जो कहते हैं कि अगर अनाज नहीं मिल रहा है या फिर सर्टिफिकेट्स की बात है या फिर एक जनरल जो समस्या आती है जब की सड़कों को कहते हैं तो ये कब तक भरेंगे। तो अभी मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी सड़कें हमारे जनपद में उसमें गड्ढा मुक्त करने का अभियान हमारा स्टार्ट हो चुका है और ये नवंबर माह तक जितने भी हमारे सड़क हैं पूरे जनपद में लगभग 2000 किलोमीटर के करीब सड़कें हैं, उन सबको गड्ढा मुक्त करने का अभियान हमारा नवंबर माह तक ख़त्म हो जाएगा सर। लेकिन फिर सफ़र करने की ज़रूरत है, बीच में आदेश आ गए थे कि करना है जल्दी, लेकिन अब बरसात की वजह से ये काम इन लोगों ने रोका था। अब बरसात लगभग रिपीट कर रहा था मानसून में, ये तो इन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और जल्दी से इसको हम कार्य पूरा कर। जन सुनवाई में पंजीकृत समस्याओं को समयावधि में निस्तारित करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्रवाई से आवेदनकर्ता को भी अवगत कराएं। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट।